आया था मुझे सुबह सुबह कि मम्मी क्या कर रहे हो करके, तो वही बोला था कि नाश्ता बना रही हूँ, तो बोले क्या बना रही हूँ, तो मैंने बोला आलू के पराठे। उसे बहुत, मेरे दोनों बच्चों को बहुत आलू के मेरे बनाए हुए पसंद है, तो बोली कि मम्मी मैं आ रही हूँ, आप मुझे बना के खिलाना करके। तो वो मुझे बहुत रुलाता है, जब भी मैं आलू के पराठे बनाती हूँ मुझे बहुत रोना आता है, उसकी बहुत याद आती है कि वो बिना खाए बोलना चाहिए चली गई। बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है इस घटना से। मेरी बेटी तो बहुत होनहार और होशियार थी, हमारा बहुत ध्यान रखती थी, और बोलना चाहिए कि उसके इतने के सपने थे कि वो अधूरा छोड़ गई है, तो वो बहुत खलता है हमें कि वो पूरा कर नहीं पाई वो, और ये इस हादसे का शिकार हो गई। और भी बड़ी बड़ी हमें उम्मीद थी उससे, और वो करती, हमें पूरा विश्वास था, मगर अंदर से इतना दुखी हो जाते वो ये सब सोच के कि हमारी बेटी ने जो सपने देखे वो पूरा कर नहीं पाई वो। अश्विनी पढ़ाई में बहुत होनहार थी, 99% लाती थी, गोल्ड मेडल जीती थी। उसने 10th में भी A+ लिया था, और 12th में भी उसके 90% के ऊपर थे, और बोलना चाहिए कि जो जिम जाती थी उसमें उसने पावर लिफ्टिंग में, मतलब बोलना चाहिए 8 दिन के प्रैक्टिस में उसने मेडल जीत के लाई थी। तो ये सब चीज़ें बहुत अखरती है कि इतनी होनार मेरी बेटी, होशियार, सब कुछ, और उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे, वो सब अधूरा छोड़ के वो चली गई। तो वो बहुत खलता है, हर दिन मुझे बहुत याद आती है उसकी कि आज ये करना था, आज वो करना था, अभी ये करती वो करती करके। वो बताती नहीं थी पहले से प्लान कि मेरा क्या प्लान है, अचानक आके बोलती थी मम्मी ऐसा हो गया वैसा हो गया, और सही चीज़ करती थी तो हमें बहुत खुशी होती थी उसकी। कुछ भी, मतलब जैसे कैरियर को लेकर हो चाहे कोई भी चीज़ हो, तो पहले वो कर लेती थी उसके बाद बताती थी, हर बार सरप्राइज देती थी।